हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी डिक्शन विद नेहा। आज हम पढ़ेंगे एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, पर ये तो हमें पता है, तो इसमें क्या? इसमें हम पढ़ेंगे ट्रिक्स टू मेमोराइज देम, ट्रिक्स टू मेमोराइज देम, बट वो याद तो रहती ही नहीं है। अब भूल कर दिखाओ, मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगी जिसको आप लिंक कर पाएंगे और ढंग से याद भी कर पाएंगे, आई एम श्योर अबाउट दैट। तो पॉलिनेशन तो हमको पता ही है कि कैसे एंथर से जो पॉलन्स होते हैं वो दूसरे प्लांट के या सेम फ्लावर के भी स्टिग्मा की तरफ जा सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे यहाँ पे बी शो कर रखी है, उसके अलावा विंड इन्वॉल्व होती है, वास्प इन्वॉल्व होते हैं, एंट्स होते हैं, ठीक है वो हमें पता है। बट द मेन थिंग इज दैट इनके टर्म्स, अब यार इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत ही हेक्टिक सिचुएशन हो जाती है, ये टर्म्स भी काफी कंफ्यूजिंग है। तो मैं आपको इनके लिए ट्रिक्स बताऊंगी। आप सिर्फ हाइलाइटेड वर्ड्स पे ध्यान दीजिए, कुछ रेड से हाइलाइटेड है वो एक पार्ट है ट्रिक का, ब्लू वाले नेक्स्ट पार्ट है, ये नेक्स्ट पार्ट है, एंड लास्ट ये वाला पार्ट नेक्स्ट है। तो पहली ट्रिक से स्टार्ट करते हैं। ये एक लड़की एमी की कहानी है, ठीक है, इसको ढंग से सुनिए। जो एमी है वो बहुत ही फिल्मी है, ठीक है, और वो एक रोमिन नाम के छोटे से शहर में रहती है, या फिर रोमिन रोमिन आप इसको लिंक कर लेना। तो ये मोप लेके खड़ी है, या फिर ये मोप के साथ बिजी है। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई फिल्मी एमी बॉर्न इन रोमन इज बिजी विद मोप। जो टर्म्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे जो कट कर रखे हैं वो सिर्फ सेंटेंस को लिंक करने के लिए हैं, वो हिंट्स नहीं है। तो ये पहला कोड हो गया कि व्हाई फिल्मी एमी बॉर्न इन रोमन इज बिजी विद मोप, ठीक है। अब इसका आंसर देंगे तो जो वास्प है, दैट इज अ स्मॉल वास्प जो है, और उसका बैच है, उनका झुंड पूरा, उसने एमी को काट लिया, वो एमी को तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से एमी इज इन वेन, एमी दर्द में है। तो इसका कोड क्या बना, स्मॉल वास्प बैच गेव वेन, इसलिए एमी मोप उठा के खड़ी है क्योंकि कुछ वास्प उसको तंग कर रहे हैं, उसको दर्द दे रहे हैं। तो दो कोड कंप्लीट। अब थर्ड कोड पे आते हैं। थर्ड कोड है बी कांट बेल, बी घंटी नहीं बजा सकती, बेचारी छोटी सी बी घंटी कैसे बजाएगी। तो ये हमारा थर्ड कोड है, ठीक है, तो बी कांट बेल, इसको याद रखिए। अब हम आते हैं अपनी टेबल पर वापस और देखते हैं हमको कितनी टेबल याद हो गई है। पहला कोड क्या था, वाई फिल्म में एमी बॉर्न इन रोमन इज बिजी विद मोप, ओके। तो इसमें आप देख सकते हैं वाई का डब्ल्यू लेंगे वाटर, एच वाई लेंगे हाइड्रोफिली, एफ आई एल हम लेंगे फ्लाइज, और एम वाई लेंगे मायोफिली, ए एम वाई एमी का ए लेंगे एंट्स, और एम वाई लेंगे मिरमेकोफिली, बॉर्न का बी लेंगे बर्ड्स, और ओ आर एन लेंगे ऑर्निथोफिली, रोमिन का आर ओ लेंगे रोडेंट्स, और एम आई एन लेंगे मिनेथोफिली। इसमें एस क्या है, साइलेंट है, बिजी का बी यू उसे लेंगे तो बटरफ्लाइज, एंड एस वाई लेंगे तो साइकोफिली, जहाँ पी क्या है, साइलेंट है। मोप का एम ओ लेंगे मॉथ, और पी लेंगे तो फिलेनोफिली। तो पहला कोड कंप्लीट, वाई फिल्म में एमी बॉर्न इन रोमन इज बिजी विद मोप, और हमने लिंक करके इसको याद कर लिया। दूसरा कोड आता है स्मॉल वास बैच गेव वेन, एस से हो गया स्नेल, और एम ए एल एल से हो गया मेलेकोफिली का एम ए एल, वास्प इसके तो नाम में ही है, डब्ल्यू हो गया वास्प, और एस पी से हो गया स्फीकोफिली। अब नेक्स्ट है बैच, बी ए टी से हो गया बैट्स, और सी एच से हो गया काइरोप्टेरोफिली, वेन के डब्ल्यू से हो गया विंड, और ए एन ई से हो गया एनीमोफिली। अब नेक्स्ट कोड देखते हैं, बी कांट बेल, बी यानी कि बीटल, बी ई ई से हो गया कांट, सी ए एन टी कैंथेरोफिली। तो इसको लिंक कैसे करेंगे, बीटल में भी टी आता है और कांट में भी टी आता है, ऐसे कर लेना, बी और बीटल में कंफ्यूज मत होना, और बेल में बी, और एल एल में यहाँ पे दिख रहा है कि मेलिटोफिली में एल एल डबल टाइम आ रहा है। नेक्स्ट है इंसेक्ट और एंटोमोफिली को कैसे याद करें, तो एंटोमोफिली में ई एन टी से एंटर लिंक हो रहा है, और एंटर का तो मतलब ही होता है अंदर आना या इन, सो इंसेक्ट के आई एन, एंटेमोफिली के ई एन टी यानी कि एंटर के साथ लिंक हो रहा है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और ये कोड भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको और ऐसी वीडियोस आगे देखने को मिलेंगी, वरना आप उसको मिस कर जाएंगे।